गुड मॉर्निंग माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर साउंड एंड सेफ एट योर होम। डियर किड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। यस्टरडे वी डिड अ कीवर्ड्स, टुडे वी विल डू अ वर्ड मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज डस्ट। व्हाट इज अ फर्स्ट वर्ड? डस्ट। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डस्ट? डी यू एस के, डस्ट। डस्ट मीन्स वो टाइम जब हमारा संख्या होता है सेट होता है। क्लियर? सेट हो रहा होता वो टाइम कौन सा होता है आपका? डस्ट। सो डस्ट मीनिंग इवनिंग। डस्ट इवनिंग। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इवनिंग? ई वी ई एन आई एन जी, डस्ट इवनिंग। सेकंड वर्ड इज क्विकली। व्हाट इज द सेकंड वर्ड? क्विकली। क्यू यू आई सी के एल वाई। क्विकली मीन्स बोलते हैं ना क्विकली, जल्दी से, एट वंस, हरी। सो मीनिंग ऑफ क्विकली इज एट वंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विकली? एट वंस। नेक्स्ट इज शेल्टर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? शेल्टर। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ शेल्टर? एस एच ई एल टी ई आर, शेल्टर। शेल्टर मीन्स टू गिव अ प्लेस टू लिव। Give a place to live, यानी कि रहने के लिए जगह देना। क्लियर? वर्ड को शेल्टर कौन देता है? ट्री ना। सो शेल्टर टू गिव अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह देना। अवर नेक्स्ट वर्ड इज पीपिंग। व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्ड? पीपिंग। पीपिंग मीन्स किसी चीज के अंदर से देखना। पीपिंग मीन्स किसी चीज के अंदर से देखना, झांकना। सो मीनिंग ऑफ पीपिंग इज टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली थ्रू एन ओपनिंग। टू लुक क्विकली, क्विकली एंड सीक्रेटली थ्रू एन ओपनिंग। किसी चीज के अंदर से सीक्रेटली जल्दी से देखना। पीपिंग, टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली थ्रू एन ओपनिंग। Our next word is shine. What is our next word? Shine. Shine means glow karna, chamakna. So meaning of shine is to glow. Clear? Let's do again. Dusk, evening, quickly, at once, shelter, to give a place to live, peeping, to look quickly and secretly through an opening, किसी चीज के अंदर से देखना। Shine to glow. Clear? Now, dear kids, we will do our rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? Rhyming words वो words होते हैं जिनकी sound क्या होती है? Same होती है। Clear? We have done a poem and in that poem I have told you about some rhyming words. So let's do. Our first word is sky. Sky by. First word क्या होगा? Sky by. Sounds आ रही ना आपकी? Same. Sky by. Rest nest. जो आपकी last जो sound है वो same जा रही है ना? Rest nest. Clear? Rest nest. Peeping sleeping. Peeping sleeping. Let's go again. Sky by. Rest, nest, peeping, sleeping. Clear? So dear kids, we have done our word meanings and rhyming words. What will you do? You will write these in your English reader fair book. So dear kids, now I am going to tell you how to maintain your English reader fair notebook. Firstly, what will you write? In starting, you will write date. So what is date today? 16th April 2020, 21. Clear? And in this side you will write the date. What is date today? Friday. Clear? Then in next line you will write your lesson. Which lesson this? Lesson first. Clear? And then you will write the name of the chapter and this is a poem.
क्या है होम का नेम? टॉल ट्रीज। क्या इन नेक्स्ट लाइन यू विल राइट द नेम ऑफ द पोएट्स? क्या पोएट्स नेम? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? एलेन मैथाइस। यू विल राइट नेम ऑफ द पोएट हियर। इन नेक्स्ट लाइन फर्स्टली वी हैव डन अ कीवर्ड्स ना, सो नेक्स्ट लाइन में आप क्या राइट करोगे? आपके की वर्ड्स। क्लियर? इन दिस वे यू विल राइट योर कीवर्ड्स। सपोज देयर आर 10 कीवर्ड्स, 5 यू विल राइट दिस साइड एंड 5 यू विल राइट दिस साइड। क्लियर? इन दिस वे यू विल डू योर कीवर्ड्स। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर वर्ड मीनिंग। ठीक है? वन साइड यू विल राइट वर्ड एंड वन साइड यू विल राइट मीनिंग। क्लियर? इन दिस वे यू विल राइट योर वर्ड मीनिंग। आफ्टर दैट इफ इट इज अ बुक देन यू विल राइट योर राइमिंग वर्ड्स आल्सो एंड आफ्टर राइमिंग वर्ड्स यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आप क्या करोगे? फर्स्टली यू विल राइट वन क्वेश्चन देन आंसर आफ्टर दैट यू विल लीव वन लाइन। क्लियर? देन यू विल स्टार्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस वे यू विल डू योर क्वेश्चन आंसर। सो डियर किड्स, इन दिस वे यू विल मेंटेन योर इंग्लिश रीडर फॉर योर नोटबुक। थैंक यू।